मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिंसा और रक्तपात का ऐसा तांडव मचाया था जिसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि भारत इन आतंकियों को जहन्नुम भेज चुका है, लेकिन हमले का असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने मुंबई हमले में मारे गए 10 आतंकियों के लिए आज एक विशेष प्रार्थना सभा रखी है। मुंबई हमले के 12 साल बाद पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल में ये सभा होगी। वहीं अमेरिका में 26/11 के हमले को याद करते हुए कुछ लोग आज इकट्ठा हुए और उन सभी की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से यह मांग है कि अब वह किसी भी तरह का फंड रेज ना करें अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें मुंबई वासियों के सिवाय कुछ ऐसे लोग भी मारे गए थे जो वहां से बिलोंग करते थे। That it's been 12 years since the heinous act of Mumbai terror attacks were committed, and we hope that the new administration, when it comes, will take every step possible to bring the perpetrators to justice. They are living freely in Pakistan. It's been 12 years, 166 people were killed, out of which 6 were Americans, and it is about time that the perpetrators are brought to justice. And they should not be allowed to live freely like they are doing in Islamabad and Karachi and other parts of Pakistan. There was Bin Laden, Pakistan, Pakistan. There was Bin Laden, Pakistan, Pakistan.